सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सलमान खान और अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए एक खुशखबरी है, दोनों एक साथ रेस 3 में नजर आने वाले हैं। जी हां, सलमान और अमिताभ को आखिरी बार साथ में 2008 में आई फिल्म गॉड टू सी ग्रेट हो में देखा गया था, जिसमें प्रियंका चोपड़ा नजर आई थी। ये फिल्म अनाधिकारिक तौर पर जिम कैरी की ब्रूस ऑलमाइटी की हिंदी रीमेक थी। अब खबरों के अनुसार दोनों स्टार्स लगभग एक दशक बाद स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे। एक सोर्स के अनुसार बिग बी को रेस 3 के लिए अप्रोच किया गया है। ऐसा लगता है कि अमिताभ को सलमान के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है और वो इसे लेकर काफी रोमांचित हैं। अमिताभ बच्चन और सलमान खान ने साथ में बाबुल और बागबान जैसी फिल्मों में काम किया है। ये दोनों ही फिल्में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी से पहले की हैं। सलमान के पिता सलीम खान इंडस्ट्री के वरिष्ठ स्क्रिप्ट राइटर हैं और वो सीनियर बच्चन के साथ काम कर चुके हैं। सलीम जावेद की जोड़ी ने बच्चन की कई आइकॉनिक फिल्में दीवार, जंजीर, मजबूर, त्रिशूल और शोले की कहानी लिखी है। सलीम जावेद की जोड़ी के टूटने के बाद बिग बी ने जावेद के साथ काम करना जारी रखा, जिसकी वजह से खान और बच्चन के बीच एक ब्रिज बन गया था। लेकिन अब लगता है कि अमिताभ और सलमान बीती बातों को छोड़कर साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रेस फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्मों को अब्बास मस्तान की जोड़ी ने डायरेक्ट किया था, जिसमें लीड किरदार सैफ अली खान, अक्षय खन्ना ने निभाया था। वहीं सपोर्टिंग रोल में अनिल कपूर दिखे थे। वहीं इस बार रेमो डिसूजा रेस 3 को डायरेक्ट करेंगे। वर्क फ्रंट की अगर बात की जाए तो अमिताभ बच्चन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर खान, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख के साथ नजर आएंगे। सलमान खान की बात करें तो वो इस समय कैटरीना कैफ के साथ टाइगर जिंदा है के क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग में बिजी हैं। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।